नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। न्यूज प्लस 21 आज आपके लिए लेकर आया है कुछ खास, तो देरी किस बात की। आइए आपको बताती हूँ दिमाग के घर बसर की अनोखी दास्तां। क्या आपको पता है जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा एवं कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? उठने लगा ना खुरापाती मन में कई सवाल, खुद से कई जवाब, ऐसा नहीं तो ऐसा होता होगा। तो आइए ले चलती हूँ आपको सच की ओर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन शब्द मनुष्य ने ही बनाया है। जब टेलीफोन और रेडियो आदि का आविष्कार नहीं हुआ था तो दुनिया और विज्ञान यही मानते थे कि आवाज को कुछ ही समय में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचाना नामुमकिन है, लेकिन आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।